बड़े बड़े प्रोग्राम आप तैयार कर रहे हैं, आपके ही यूथ संगठन में बड़ी गुटबाजी नजर आ रही है। मैं इसे गुटबाजी नहीं कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा संगठन है जो हम युवाओं को अधिकार दिया कि नेता बनो, नेता चुनो। मैं आपको बताने में जो खुशी है, प्रदेश में 1700 से ज़्यादा लोगों चुनाव लड़ा और ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई। इसमें प्रियंका सारासर यहाँ आई हुई थी, उनके स्वागत में दोनों अध्यक्ष नजर नहीं आए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय का ताला भी नहीं खुला। ये प्रियंका सारासर जी आई थी, उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम था हमारे साथी का, उसे पहुंची थी, लेकिन हमारे दोनों अध्यक्ष बाद में उनसे मुलाकात करके आए हैं। ताला नहीं खुला था। अब वो कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी रहती है कि मेरे ख्याल से कार्यक्रम रूपरेखा बन नहीं पाएगा, जानकारी मिल नहीं पाएगी, लेकिन हमारे दोनों अध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष बकायदा उनसे मिलके, उनसे समय व्यतीत करके, उनसे मार्गदर्शन लेकर आए हैं। कांग्रेस जो है अभी जो पदाधिकारी है, उनमें कितने लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं? ये हमारा जो यूथ कांग्रेस का प्रक्रिया था वो बहुत ही जांच परख के सभी ऐसे जांच हुआ है, और भी कोई बात अगर रुझू होगी तो जो उसकी शिकायत हमारे पास आएगी, जो बात होगी उस पर हम जांच करेंगे। उपाध्यक्ष इसी शहर के हैं, वो नजर नहीं आ रहे। उपाध्यक्ष खड़े, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि देखिए हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। सबका कार्यक्रम तय होता है, बिल्कुल भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हमारे उपाध्यक्ष सभी मौजूद थे, हमारे छह उपाध्यक्ष मौजूद थे। कल मेरी उनसे चर्चा भी हुई है, वो किसी व्यक्ति के काम से निकल गए हैं, लेकिन आगे बैठक में वहाँ रहते हैं हमारे। सरकार की सोच और राहुल गांधी की सोच को निकालने के लिए वो कांग्रेस ने देरी नहीं कर दी। क्या है, 29 तारीख को मेरा लेटर जारी हुआ है और 29 तारीख को से लेकर आज मात्र में कह देते हैं 10 दिन हुए हैं। 10 दिनों में हम लोगों ने, मैं आपको बताना है, बहुत खुशी है मेरे को। राहुल गांधी तो किसी पद में नहीं है, फिर भी संगठन के लिए काम कर रहा, पद का इंतजार करते रहे। पूरी कार्यक्रम चल रही थी, भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा था, हमारे सब लोग चल रहे थे। अब जिम्मेदारी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, जो यूथ कांग्रेस की रूपरेखा बनी है, यूथ कांग्रेस जिम्मेदारी ले रहा है, वो कार्यक्रम संगठन बनने के बाद भी तय होता है।